हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन मीमांसा। दिस इज़ आवर 11th वीडियो इन सी सेट सीरीज। टुडे वी विल बी कवरिंग प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस से जनरली क्वेश्चन कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होती, इसलिए अगर अब आता है तो दिस इज़ लाइक 2.5 मार्क्स ऑलमोस्ट फॉर फ्री। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस डन। होता क्या, प्रॉफिट लॉस फॉर्मूला इज यूज इन मैथमेटिक्स किस चीज के लिए? कोई भी एक कॉमोडिटी का प्राइस है, वो बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट ऑनली। ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक कॉस्ट प्राइस होता है और एक सेलिंग प्राइस होता है, और उसी के बेस पे प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। बेस्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम दिखा रहे हैं। मान लो एक मार्क प्राइस है किसी चीज का 100, उस पर कुछ डिस्काउंट कर दिया है हमने। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट करके जो प्राइस बचता है जिस पे हम सेल करते हैं, उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट को माइनस कर दे तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इज मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस। ठीक है, ये चीज इसमें हमने शो की है। ठीक है, क्या कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज द अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज इट। ठीक है, आप मान लो एक बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, आपने जाके कुछ पेन परचेज किए, तो उसको जो परचेज करने के लिए पर यूनिट आपने जो पैसे दिए, उसको आपका कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। कॉस्ट प्राइस दो तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट प्राइस। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग भी जाते हो मार्केट में, राइट? फॉर एग्जांपल आप अनियन परचेज करते हो, ठीक है, 1 kg अनियन 20 रुपए। ठीक है, लेकिन आप बोलते हो जी 5 kg अनियन दे दो 90 रुपीज में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको हुआ 18 रुपीज पर kg। तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट प्राइस और ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो कहेगा नहीं 5 किलो ले लो चाहे 1 किलो ले लो, प्राइस विल बी 20 रुपीज पर kg। तो 5 kg के अगर 100 रुपीज आप दे रहे हो, दिस वुड बी फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बिजनेस में इस चीज का रहता है कि कभी कभी क्या होता है, मोर क्वांटिटी आप अगर पिक करते हो तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो थोड़ा कम हो जाता है, और इसके बेस पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस, बहुत डायरेक्ट है, जिस प्राइस पे आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस वेरिएबल होता है, वैसे ही सेलिंग प्राइस भी वेरिएबल हो जाएगा। शॉपकीपर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर एग्जांपल अगर एक बनाना मान लो 6 रुपए का है, ठीक है, और डजन बनाना आप ले रहे हो 12 बनाना, तो हो सकता है 60 रुपीज डजन दे दे आपको। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरिएबल सेलिंग प्राइस और वेरिएबल और फिक्स्ड सेलिंग प्राइस, डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। और जनरली रिटेल के अंदर जब आप बिजनेस की बात करते हैं, रिटेल बिजनेस, तो सेलिंग प्राइस जनरली वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर है? जब एक आर्टिकल को सेल किया जाता है तो या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, अगर सेल प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। ठीक है, इफ सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस तो दैट इज कॉल्ड एज लॉस। ठीक है, लॉस अमाउंट कितना होगा, प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट अमाउंट, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज। सिमिलरली लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू लॉस अमाउंट, और लॉस परसेंटेज क्या होगी, लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 वुड बी लॉस परसेंटेज। ठीक है, दोबारा आप इसको सुन लीजिएगा अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो। मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस इज द लेबल्ड प्राइस। ठीक है, मान लो आप देखते हैं कई बार कोई मेडिसिन लेने गए, उसके ऊपर 100 रुपीज मार्क, MRP जिसको बोलते हैं, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, मान लो आप कोई सामान लेने गए मार्केट से, ठीक है, MRP पे मान लो आपको 10% डिस्काउंट दिया, 100 रुपीज प्राइस है, तो आपको 100 - 10% हो गया 10, तो 90 रुपीज वुड बी द सेल प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस 100 है, 10% डिस्काउंट है, तो सेल प्राइस वुड बी 90 रुपीज। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय द मार्क प्राइस इनटू 100।
ये चीज याद रखना, प्रॉफिट जो है जनरली कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है, और डिस्काउंट जो है वो मार्क्ड प्राइस पे काउंट होता है। जनरली सेलिंग प्राइस ना तो मार्क डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए यूज होता, ना ही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। कुछ कुछ अकाउंटिंग में सेल प्राइस अगर आपको स्पेसिफिकली दिया है कि सेल प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है तो बात अलग है, नहीं तो आपको अगर डिफॉल्ट है तो बाय डिफॉल्ट क्रॉस प्राइस पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही होता है अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाई। कभी कभी हो सकता है स्पेसिफाई कर दें कि सेल प्राइस पे प्रॉफिट बताइए, ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉमन फॉर्मूले हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट, लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस है ना, इनटू 100। परसेंटेज लॉस होगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट अमाउंट होगा, और डिस्काउंट परसेंटेज होगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक है, कुछ फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। सेल प्राइस अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है, और परसेंटेज दिया है, ठीक है, तो सेल प्राइस मान लो आपका कॉस्ट प्राइस इज 100, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज इज मान लो 20, तो आपका सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 120 रुपीज़। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बहुत डायरेक्ट है, इसकी प्रॉब्लम नहीं आती। ये थोड़ा सा है जो यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज इंटू सेल प्राइस। ठीक है, आपको सेल प्राइस दे दिया, परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। मान लो किसी चीज़ का सेल प्राइस इज 80 रुपीज़, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट इज 20, ठीक है, तो आपको उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 80, ठीक है, 200 बाई 3, तो कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 66.66 रुपीज़। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मर्चेंट मार्क्स इज गुड्स अप बाय 60% एंड देन ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, अब मार्क प्राइस अप बाय 60% का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस पे 60% ऐड करके वो मार्क प्राइस बना रहा है। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट रिजल्ट्स इन मर्चेंट मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो इसमें आप क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100, ठीक है, और क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है तो कब होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस भी 100 हो गया। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है, 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, 60% हो गया 60, मार्क प्राइस हो गया 160। ठीक है, अब क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा आपसे, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100। अब डिस्काउंट कितना है, सेल प्राइस क्योंकि 100 है, मैंने ऊपर बताया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस, तो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस इज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हुआ रुपीज 60। 60 डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस कितना, 160 इंटू 100। ठीक है, तो दिस वुड बी 75/2, 37.5%। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपसे जो पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट, तो परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द मर्चेंट वुड बी 37.5%, सो दैट देर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, याद रखना नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। नेक्स्ट, अ मर्चेंट मार्क्स हिज गुड्स इन सच अ वे दैट द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन पूछा, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है। ठीक है, तो 50 चीजों को सेल करता है तो उसको 25 आर्टिकल के सेल प्राइस के बराबर का प्रॉफिट होता है। मान लीजिए एक आर्टिकल का सेल प्राइस इज ₹1, तो 50 आर्टिकल के को सेल किया उसने ₹50 में। ठीक है, और 50 आर्टिकल को सेल किया ₹50 में और 25 आर्टिकल का उसको बेनिफिट हुआ, मतलब ₹25 का उसको प्रॉफिट हुआ, 25 × 1। ठीक है, सो अब 25 का प्रॉफिट हुआ, ₹50 सेल प्राइस हुआ,
तो सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू इस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हुआ 25। आपसे पूछा परसेंटेज मार्जिन, परसेंटेज मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट कितना है 25, कॉस्ट प्राइस कितना है 25 इनटू 100, 100%। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, वो कह रहा है कि 50 आइटम को सेल करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना कि उसको 25 आइटम को सेल करने पे होगा उतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मान लो उसने एक एक रुपए में 50 चीजें बेची, 50 रुपए में उसको प्रॉफिट हुआ कितना, 25 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो उसका 25। हम ये कॉस्ट प्राइस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज मार्जिन जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इन 200, 100%। ठीक है, मूविंग अहेड, टू मर्चेंट सेल ईच एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1000। इफ अ मर्चेंट ए कंप्यूट्स हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, देखो इसमें स्पेसिफाई किया है, ए कॉस्ट प्राइस पे अपना मार्जिन कंप्यूट करता है, बी जो है अपना मार्जिन है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है। दे एंड अप मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 25% रिस्पेक्टिवली, दोनों 25% ही प्रॉफिट ले रहे हैं, बट हाउ मच इज द प्रॉफिट मेड बाई मर्चेंट बी ग्रेटर देन प्रॉफिट मेड बाई मर्चेंट ए। ये क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज। ठीक है, मर्चेंट बी है वो सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट ले रहा है 25%, और मर्चेंट ए है वो कॉस्ट प्राइस पे अपना प्रॉफिट ले रहा है 25%। तो बी ए से कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो मर्चेंट बी का तो बहुत क्लियर है, सेलिंग प्राइस पे 25% प्रॉफिट ले रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 1000, इसका 25% हो गया 250 रुपए, तो मर्चेंट बी का प्रॉफिट इज 250 रुपीज। ठीक है, अभी हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पता है, अभी हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस मर्चेंट ए का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, जैसे हमने ऊपर एक फॉर्मूला आपको दिखाया था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेल प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस विल बी 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट इनटू सेल प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 1000, 8 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 800 रुपीज। तो इसका मार्जिन कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ए का 1000 माइनस 800 रुपीज 200। ठीक है, तो ए का मार्जिन इज रुपीज 200, बी का मार्जिन इज रुपीज 250, डिफरेंस इन द मार्जिन इज, या फिर बी अर्न्स मोर देन ए, 250 में से 200 माइनस कर दो 50 रुपए, सो बी इज अर्निंग रुपीज 50 मोर देन ए, राइट। नेक्स्ट इज राजीव सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 56 विच कॉस्ट हिम रुपीज एक्स, इफ ही हैड गेन्ड एक्स परसेंटेज ऑन हिज आउटले व्हाट वाज हिज कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस दिया है एक्स, प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है एक्स, और सेल प्राइस दिया है 56। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस है एक्स, प्रॉफिट क्या होगा एक्स इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5600। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 5600 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है थ्रू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अलग से करेंगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस 140x माइनस 40x माइनस 5600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 100x को हम 140x माइनस 40x लिख सकते हैं। इसको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में हम करेंगे।
एक्स स्क्वेयर, इसमें से एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 140 माइनस 40, एक्स प्लस 140 इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 140 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 40 और माइनस 140। अब प्राइस है, नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है देख लीजिए, अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। x आपसे कॉस्ट प्राइस पूछी है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 40 रुपीज, और अगर इसमें आप देख लीजिए 40% का ही प्रॉफिट अगर लेंगे, ठीक है, 16 रुपीज का प्रॉफिट है, तो आप सेल प्राइस देख सकते हैं कितना है, 56 जो कि दिया है। तो 40 रुपीज कॉस्ट प्राइस, 40% प्रॉफिट, सेल प्राइस इज इक्वल टू 56। ये वेरीफाई भी आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। कोई इश्यू आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए। प्रॉफिट लॉस में अगर ये 9 क्वेश्चन आपने ढंग से सॉल्व कर लिए तो आपके मोस्टली कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर दोबारा देखना है एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए, और 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए कि इनके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट किसी सेशन में कंडक्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।